नमस्कार दोस्तों। तो देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में फार्मा स्टॉक के बारे में। डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स एक स्टॉक है, 23 रुपये की एक छोटी सी कंपनी है। इसके बारे में बात करेंगे। पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी एंड कंसल्टेशन ये लोग प्रोवाइड करवाते हैं। Q4 के नंबर्स आज की डेट में कंपनी ने पोस्ट कर दिए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो मुनाफा कंपनी का 700% तक, यानी 7 गुना तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो देखिए, डॉक्टर लाल चंदानी लैब्स की आप प्रेस रिलीज स्क्रीन पर देख रहे हैं, 12 जुलाई 2021 आउटकम ऑफ दी बोर्ड मीटिंग। तो देखिए, कंपनी ने अपने स्टैंड अलोन कंसोलिडेटेड दोनों नंबर्स इसी में इन्होंने जो है आज की डेट में पोस्ट किए हैं, यानी मार्च 2021 तक के नंबर्स आज की डेट में पोस्ट किए हैं। लेकिन ये नंबर क्वार्टरली नहीं है, कंपनी हाफ ईयरली नंबर पोस्ट करती है। इससे पहले कंपनी ने जो है 30/9/2020 को नंबर पोस्ट किए थे, शुरू के 6 महीनों के, उसके बाद लास्ट के 6 महीनों के ईयर 2021 के आज पोस्ट किए हैं। सबसे पहले कंपेयर करते हैं 6 माही के ये नंबर हैं, आय कंपेयर करेंगे तो देखिए सारा अमाउंट इन्होंने जो शो किया हुआ है ये अमाउंट है लाखों में, यानी 2 करोड़ 71 लाख की कंपनी ने जो रेवेन्यू किया था सितंबर के 6 माही में, वो आपको यहाँ पे बढ़कर आते हुए देखने को मिल रहा है। करीब करीब 7 करोड़ 6 लाख का जो है यहाँ पे आपको लगभग 3 गुना तक बढ़त आपको आते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो एक्सपेंसेस कंपनी के काफ़ी ज़्यादा करते हुए देखने को मिले हैं। करीब 2.5 करोड़ से एक्सपेंसेस कंपनी के बढ़ के 6 करोड़ आते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन ये एक्सपेंसेस कंपनी अगर रिड्यूस कर पाती है आने वाले समय में तो यहाँ पे प्रॉफिट में उछाल इनके सीधे सीधे आपको आते हुए देखने को मिल जाएगा। अब बात करें प्रॉफिट फॉर द पीरियड की, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 22,56,000 की तुलना में कंपनी ने मुनाफा यहाँ बढ़ाते हुए देखने को मिला है। करीब 78,57,000 की संख्या में आते हुए देख रहे हैं, करीब 4 से 5 गुना का इंक्रीमेंट इन्होंने किया है 6 माही के दर से। अब इसको कंपेयर करें पिछले साल से, यानी मार्च 2020 के डेटा से मार्च 2021 के डेटा को कंपेयर करेंगे तो आय यहाँ भी आपको जो है बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। करीब 2.5 गुना तक का जंप आप आय में देख रहे हैं। करीब करीब 3 करोड़ से इनकी आय बढ़कर 7 करोड़ आपको आते हुए देखने को मिल रही है। वहीं बात करेंगे कंपनी के सीधे जो है नेट प्रॉफिट के बारे में तो नेट प्रॉफिट में काफ़ी ज़्यादा बढ़त देखने को मिलेगी। करीब करीब 11.5 लाख की तुलना से कंपनी ने आय अपनी 78 करोड़ आती हुई देखने को मिल रही है। करीब करीब 7 गुना तक का जंप आप कंपनी के 6 माही नंबर के नज़रिए से जो है ईयरली बेसिस पे देख रहे हैं। अब वहीं बात करें कंपनी के पूरे साल की, यानी चारों तिमाहियों की, तो देखिए जो ईयर 19-20 के और 20-21 के डेटा शो किए हुए हैं इस कॉलम को कंपेयर करते हैं। सबसे पहले इनकम देखेंगे, कंपनी ने इनकम ईयर 19-20 में 610 लाख, यानी 6 करोड़ 10 लाख की थी, वो आपको बढ़कर 9 करोड़ 78 लाख की आते हुए देखने को मिल रही है। उसके बाद बात करें प्रॉफिट की तो देखिए ईयर 19-20 में कंपनी ने सिर्फ 47 लाख का ही प्रॉफिट किया था, वो बढ़कर आपको 1 करोड़ से भी ऊपर थोड़ा जाते हुए देखने को मिल रहा है, यानी 2.5 गुना तक का, लगभग 2 से 2.5 गुना तक का जंप आप यहाँ पर भी आते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए कंपनी का बहुत छोटा कारोबार है, आप इसी मार्केट कैप सिर्फ 10 करोड़ के, मैं अभी आपको दिखाऊंगा डेटा, आप हंसेंगे देख के, तो कंपनी बहुत छोटी है, इस वजह से नंबर आपको ऐसे दिख रहे हैं। कंपनी प्रॉफिट भी जो कर रही है वो भी लाखों में कर रही है, करोड़ में तो कंपनी सेल भी बहुत ही मुश्किल से कर पा रही है, तो ये चीज़ ज़रूर है। लेकिन स्टॉक आने वाले समय में जैसे कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या 6 माहियों से जो आप मुनाफे में बढ़त देखने को मिल रही है, ये अगर और इसको प्रॉपरली बढ़ा पाती है कंपनी, अपने खर्चों में कटौती कर पाती है, तो यहाँ पे थोड़े और नंबरों में सुधार आते हुए ज़रूर देखने को मिल सकता है। तो देखिए आज के इंट्राडे की अगर बात करें तो इंट्राडे में स्टॉक ने फ्लैट क्लोजिंग दी, इसलिए इन्होंने कोई चार्ट ही नहीं दिखाया। 5 दिन की बात करेंगे तो 10% स्टॉक चलते हुए देखने को मिला है। 1 महीने में आपको करीब करीब जो है 3.5% नीचे दिखेगा। 6 महीनों की अवधि में 47% का जंप दिखेगा। ईयर टू डेट की बात करेंगे तो देखिए 73% के रिटर्न है। 1 साल की अवधि में स्टॉक ने फिर भी ठीक काम किया है, 122% के रिटर्न है। मैं मैक्स चार्ट आपको दिखाऊं क्योंकि ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, जो है 11 मई 2018 को इसकी लिस्टिंग हुई थी। इसका आईपीओ करीब करीब मार्च जो है अप्रैल के लास्ट वीक 2018 में आया था। 25.75 रुपये से प्राइस आज जो है इसका गिरने के बाद काफ़ी डाउन गया था। उसके बाद आज की डेट में और कोरोना की जो फर्स्ट वेव के चलते लॉकडाउन लगा था, करीब 8 से 7 रुपये भी स्टॉक इसका गया था। लेकिन उसके बाद से अभी करंटली चार्ट आप जो 23.5 रुपये का इसका प्राइस आप देख रहे हैं। आज का इसका डेली चार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं, जो डेटा अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए आज के दिन 0% है, फ्लैट कारोबार किया है। मार्केट कैप देखिए सिर्फ 10 करोड़ 14 लाख की कंपनी की मार्केट कैप है, बहुत ही ज़्यादा छोटी कंपनी है। फेस वैल्यू स्टॉक की 10 रुपये की, ये फिर भी ठीक है। बुक वैल्यू स्टॉक की 19.68 रुपये के आसपास की है, तो बुक प्राइस टू बुक का रेशियो करीब 1.19 का यहाँ पे बनते हुए आप देख रहे हैं। इंडस्ट्री पी काफ़ी ज़्यादा है, फार्मा का आप जानते हैं 125 के पी पे जो इंडस्ट्री जो है ट्रेड कर रहा है। डिलीवरी आज की यहाँ 100% दिखाई गई है, तो ये सारा डेटा आप देख रहे हैं।
तो देखिए कंपनी आपको बीएससी पर लिस्टेड मिलेगी, एनएससी पर नहीं है। बीएससी पर इसका सिंबल है, डीएलसीएल नाम से इसका सिंबल है। और चार्ट ज़्यादातर आप देखेंगे आपको सर्किट पर ही देखने को मिलेगा। ये कंपनी में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम है, इस वजह से सर्किट पर आपको ट्रेड होते हुए यहाँ स्टॉक देखने को मिलता है। कल जो प्राइस था एग्जैक्टली आज वही देख रहे हैं, और पिछले 5-6 दिनों से अगर देखेंगे तो स्टॉक जो है नीचे के करीब करीब 18 रुपये से चलकर आज 23 रुपये 40 पैसे पे आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। देखिए ये ट्रेडिंग स्टॉक बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। लोग अक्सर यहाँ इन्वेस्ट कर देते हैं ऐसे स्टॉक में, फिर बार बार कमेंट करके सेम क्वेश्चन पूछते हैं कि हमारे प्राइस स्टॉक नीचे आ गया है अब क्या करें। तो देखिए हर स्टॉक ट्रेड के लिए नहीं होता है, ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लिए है, क्योंकि सर्किट टू सर्किट चलने वाले स्टॉक में आप ट्रेड नहीं कर सकते। क्योंकि आप खरीद लेंगे मान लो और लोअर सर्किट लगने स्टार्ट हो गए, कंटिन्यू 5 से 7 लग गए, तो आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा वहाँ पर। और ऐसे इसलिए इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, अब लंबी अवधि का व्यू रखकर यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको मंथली चार्ट इसका दिखाऊं तो ऊंचाइयों से स्टॉक अब भी आपको कुछ नीचे देखने को मिलेगा। करीब करीब 30 से लेकर 31 के हाइज इसके थे आईपीओ जब इसका आया था। आपको इवेंचुअली स्टॉक इस प्राइस तक फिर से जाते हुए देखने को मिलेगा, और इस जो है लेवल को स्टॉक अगर ब्रेक कर पाएगा आने वाले महीनों में तो फिर एक ब्रेकआउट और आपको यहाँ पर आते हुए देखने को मिल सकता है इस स्टॉक में। तो जिन लोगों ने ले रखा है होल्ड कर सकते हैं, नया को इन्वेस्ट करना चाहे तो देखिए थोड़ा अमाउंट डालिए इसमें, क्योंकि ये भी एक फार्मा स्टॉक है। अगर थोड़ा इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ पैसा अगर लूज़ भी हो जाए तो वहाँ पर ज़्यादा डर नहीं होता, लेकिन आगे स्टॉक ने शानदार तेज़ी बनाई, 50-60 के लेवल भी आने वाले महीनों में दिखा दिए, तो आपका अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे बन जाएगा। चलिए बात करिए डीएलसीएल यानी डॉक्टर लालचंद लैब के बारे में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।